नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका खास बुलेटिन में। सितारगंज के मंडी समिति परिसर में गुरुवार से कच्ची अढ़ौतियों ने धान खरीद शुरू कर दी है। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने धान खरीद शुरू कराई। पिछले दो दिनों से तहसीलदार धान खरीद शुरू करने में जुटे थे। गुरुवार को 5 कच्चे अढ़ौती धान खरीद के लिए पहुँचे हैं। तहसीलदार और कच्चे अढ़ौतियों को कोड आवंटित कराने के लिए SMO और RFC कार्यालय पहुंचकर कोड आवंटित कराने के निर्देश दिए ताकि धान खरीद में तेजी आ सके। 11 दिनों तक धान खरीद नहीं होने से किसानों में काफी आक्रोश था। राइस मिलों की हड़ताल होने के कारण कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसमें हमारे द्वारा राइस मिल के अध्यक्ष हो गए, मंडी कृषि उत्पादन मंडी सचिव के सचिव साहब हो गए और SMI साहब को हमने राइस मिलर से बात की और निष्कर्ष निकाला कि राइस मिलर अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल करवाएं और उसके बाद धान जिसे तोल हो सके और किसानों को फायदा हो सके। उसी के क्रम में कल 5 राइस मिलरों के रजिस्ट्रेशन हुए, उसमें हमने आज सुबह से धान तोल प्रारंभ कर दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां मुकेश अंबानी ने विशेष पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी के साथ उनके बेटे अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट और समधन भी दर्शन को पहुंचे। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक भी प्रदान किया। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति आदरणीय श्री मुकेश अंबानी जी ने आज श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करी और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करी। उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की है। इसके लिए मैं मंदिर समिति की ओर से आदरणीय अंबानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा जो मंदिर समिति के जो विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स में भी हमको यथासंभव सहयोग का आश्वासन प्रदान किया है। आगरा में गुरुवार को दिल्ली अक्षरधाम संस्था के 110 साधु पहुंचे, जहां 110 साधुओं ने ताज का दीदार किया। आपको बता दें कि साधुओं के डेलीगेशन के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहे। ताज सुरक्षा और पर्यटन पुलिस के साथ CISF ने मोर्चा संभाला। हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। विवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक लड़की के पिता ने पति, सास और देवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामला मुरसान कोतवाली क्षेत्र के गांव हड़ेला का है। लड़की का पियर तो है दादू। अच्छा, और यहां पे सास रहा है हिडोला। थाना कौन सा पड़ता है हिडोला का? हिडोला थाना, ये मुरसान। मुरसान में तो मतलब ये कैसे खत्म हुई, क्या लगता है आपको? मारी है सर। मारी है, मतलब मारपीट के निशान भी है। मारपीट के निशान तो मतलब क्या ससुराल वाले परेशान करते थे क्या? पति करता था क्या कोई? पति करता था, पति, सास और देवर। किस बात को लेकर मारपीट करते थे? ये नहीं पता सर, बात नहीं बताई लड़की ने। हरदोई जिले में आवारा सांडों का बीच सड़क पर तांडव देखने को मिला, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार दंपति को सांडों ने टक्कर मार दी और कुचल दिया। हादसे में दोनों आंशिक रूप से जख्मी हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सांडों को इस तरह लड़ता देख सड़क पर निकलने वालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोगों ने लाठी फटकार कर सांडों को भगाया, जिसके बाद दंपति को निकाला गया। इस दौरान लोगों के को आने और जाने में काफी परेशानी भी हुई। ये अभी अस्पताल के पास ही हम खड़े थे तो दो दंपति निकल रहे थे, मियां बीवी नकौरा के थे। उनको गौवंश लड़ रहे थे आपस में, उससे उनको ठोकर लगी, बहुत चोट आ गई, उनको उठा के भर्ती कराया है।
लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में जिले के आला अधिकारियों के साथ सूबे के खाद्य और रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बैठक कर सरकार की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में भाजपा द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा शामिल हुए। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि भारत की परंपरा है कि सदियों से महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान देना। ये देश विगत 9.5 वर्ष में तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी बना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, और जिसके क्रम में चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत के माध्यम से शौचालय निर्माण की बात हो, मिशन शक्ति, मुद्रा बैंक, PSC बटालियन, तमाम ऐतिहासिक काम केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर बीजेपी के मंत्री, विधायकों और PWD अफसरों ने जितिन प्रसाद को बुके देकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से बैठक के बाद अधिकारियों से विभागीय समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने सिद्धिपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन और विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में झांसी ब्लॉक बंगरा के गांव लुहर गांव में विशाल किसान पंचायत आयोजन हुई। किसान पंचायत में प्रमुख रूप से सप्रार बांध द्वारा संचालित नहरों में पानी छोड़े जाने, विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित कटौती बंद कराए जाने को लेकर पंचायत में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में किसानों ने अपनी पीड़ा रखी और बताया कि साहब, रबी फसल की बुआई का समय आ गया है, खेतों में नमी गायब है, खेतों में पलेवा करने के लिए पानी की आवश्यकता है, साथ में खेती में बोई मूंगफली की फसल पक गई है, बांध सूखने लगे हैं, खेत सूखे होने के कारण मूंगफली की फसल उखाड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ साहब अभी जी खरीफ की फसल बोई गई थी, तो हम लोग साहब पानी के लिए तराई तराई मची है, और हमारी मूंगफली भी सूख रही है, और साहब बाढ़ तो एक्सपोजर पे सूख गया है, हमारी मूंगफली दबी की दबी रह गई है, लाइन कड़ी है ना, तो पानी मिल रहा है, सारी रास्ताएं बिल्कुल खतरनाक पड़ी के आवागमन में बड़ी परेशानी हो रही, गाड़ियाँ भी निकल पा रही जब से। और नेताजी किन समस्याओं के लिए क्या यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, आज यहाँ पर ब्लॉक बंगरा के गांव लोहर गांव में किसान की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर पंचायत हुई है, किसानों की पीड़ा सुनी गई है, तो कहीं ना कहीं किसान आज जो कहते हैं कि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, तो वहीं आज देश का किसान सबसे पिछली कतार पर खड़ा है। इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में पिछले साल मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए विवाद को एक साल बीत चुका है। पिछली बार से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने इस बार दुर्गा पूजा से पहले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बकायदा मूर्ति स्थापित करने वाली सम्मतियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही विसर्जन यात्रा के दौरान बजने वाले DJ को नियंत्रण साउंड में बजाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उल्लंघन करने पर जेल की सजा और जुर्माने की भी चेतावनी दी गई है। पैदा हो सकती है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर कोई अपनी व्यक्तिगत रूप से मूर्ति रखता है तो भाई पूजन करना तो हर किसी का अपना राइट है, वो कर सकता है, लेकिन ये है कि तब अगर वो अपनी सेपरेट कोई मूर्ति रखता है कोई व्यक्ति इससे इतर अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, तो उसको व्यक्तिगत रूप से ले जाके
खुद से डिस्पोजल करेंगे, किसी विसर्जन यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो लोग पूर्णिमा के अलावा, कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि दशमी के दिन विसर्जन करेंगे, वहीं अमेठी में घर के अंदर खून से लथपथ युवक का शव मिला। युवक के दोस्त के ऊपर युवक की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि मामूली बात के चलते दोस्त ने दोस्त को चाकू मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक के दोस्त उसके शव को घर में छुपाकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कोची गाँव का है। आज सुबह लगभग 10:30 बजे पुलिस का सूचना प्राप्त हुई थी। एक कोची गांव, मोहनगंज थाना अंतर्गत कोची गांव में एक रविंद्र का हत्या के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को कब्जे में लिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टि ऐसा निकल के आ रहा है यहाँ उसी गाँव का है, एक आदमी पिंटू है, उन्होंने इनको हत्या करने के लिए बात निकल के आ रही है। सितारगंज में ढाबे पर फायरिंग करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से फायरिंग में प्रयुक्त वाहन तमंचा बरामद किया गया है। इससे पहले पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है। बदमाशों ने ढाबे पर 11 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद दहशत फैल गई थी। यूपी के ग्राम बरहैनी के एक घर में बर्थडे पार्टी में हुए विवाद के बाद हथियारों से लैस बदमाशों ने 30 सितंबर की रात को ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों को घायल कर दिया था। ढाबे की घटना थी जो कि 30/9 को घटित हुई थी। इसमें 1 अक्टूबर को एक अभियोग पंजीकृत हमने किया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सरेराह फायरिंग की गई थी और बहुत ही गंभीर घटना थी, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली घटना थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है, तो इस घटना को हमने उतनी ही गंभीरता से लिया। वहीं कानपुर नगर निगम की ओर से एक बार फिर से चट्टे को लेकर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम की टीम शास्त्री नगर और गुमटी के इलाकों में पहुंची, जहां से कुल 31 जानवर पकड़े गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के निरंजन ने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चलने वाली योजनाओं में जानवरों का गोबर सिविल लाइन में चौक होने में अहम भूमिका निभाता है, इसी के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सट्टा संचालकों से अपील भी की कि जल्द से जल्द जानवरों को शहर के बाहर शिफ्ट कर दें। शहर में जो इस समय चट्टे वर्तमान में मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। आज माननीय मेयर महोदय के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया, जिसमें काली मठिया के पास शास्त्री नगर चौराहे से और दर्शनपुरवा में जो मेन रोड है, उस रोड से जानवरों को पकड़ा गया है। वहाँ से कुल 15 भैंस, 10 गाय और 6 भैंस के बच्चे। बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, 100 लोग घायल हो गए। ट्रेन की 6 बोगियां भी पटरी से उतर गई, जिसका सीधा असर कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर भी देखने को मिला है। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन के CTM आशुतोष सिंह ने बताया कि जो बिहार में दुर्घटना हुई है, उसे कानपुर सेंट्रल स्टेशन से आधा दर्जन से अधिक गाड़ियाँ ही प्रभावित हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों को जो डाइवर्शन किया गया है, वो बरसाता दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सासाराम आरा से होते हुए जाएंगे, जिससे कानपुर के सेंट्रल स्टेशन से जाने वाली यात्रियों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, कानपुर सेंट्रल से जो ट्रेनें आने वाली हैं, सारी ट्रेनें आ रही हैं,
और जा भी रही हैं। अब उनका आगे की तरफ रूट डाइवर्ट किया गया है, इसके कारण कुछ ट्रेनें लेट आ रही हैं। अदरवाइज कानपुर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें, सारी ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी, कोई ट्रेन उसमें अलग रूट से नहीं जा रही है। डाइवर्जन के कारण कुछ ट्रेनें विलम्ब से यहाँ से आ रही हैं और कुछ ट्रेनें, चार पांच ट्रेनें, मतलब ज़्यादा नहीं है संख्या अभी, और बाकी कोई कैंसिलेशन नहीं है गाड़ियों का। वहीं झांसी में दुर्गा उत्सव महासमिति ने समस्त दुर्गा उत्सव समितियों से अपील की है कि वो अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं, इसके साथ ही फायर ब्रिगेड यंत्र भी रखें। महासमिति ने सभी दुर्गा उत्सव समितियों से बारी बारी मिलकर प्रशासन की गाइडलाइन की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही महासमिति ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जो विभिन्न दुर्गा पंडाल समिति की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्पर रहेंगे। माध्यम से जो अवगत कराना चाहती है, वैसे तो हमारे सभी सदस्य हैं नगर निगम के, हमारे उपसभापति श्री गोकुल दुबे भाई जी, भाई साहब हैं, सभी हैं, और सभी आपका चैनल सबसे पहले बधाई का पात्र है, क्योंकि क्या पहुँच नदी की गंदगी को देखते हुए एक दुर्गा महान उत्सव समिति ने एक प्रस्ताव भेजा था नगर निगम को, जो हमारे नगर आयुक्त महोदय जी हैं बधाई के पात्र हैं, उन्होंने मान लिया, वोटिंग के लिए भी वहाँ पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। महाआरती बृहद रूप से दुर्गा उत्सव महासमिति वहां पर करने जा रही है। झांसी में साथी ग्रुप के द्वारा 21 अक्टूबर को डांडिया नाइट का आयोजन इलाइट सिपरी बाजार रोड स्थित लक्ष्मी गार्डन में किया जाएगा। इस डांडिया नाइट्स का उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारना और वृद्ध आश्रम के माध्यम से अधिक वृद्ध जनों को लाभ पहुँचाना है। आयोजक मंडल की कविता राय, भूमिका सिंह और अलका मिश्रा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर शनिवार शाम 7 बजे गुजराती डांडिया नाइट्स कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस डांडिया नाइट्स में रैंप वॉक के साथ ही विभिन्न खान पान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिस पर तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध होंगे। ये साथी ग्रुप द्वारा झांसी डांडिया नाइट का आयोजन हो रहा है 21 अक्टूबर को। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, साथी ग्रुप एक संस्था है जो कि बहुत ही जल्द एक अनाथ आश्रम खोलने जा रही है, तो पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और दूसरों को जागरूक करने के लिए कि हमें समय के साथ साथ जन सेवा में भी योगदान देना चाहिए, तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। कार्यक्रम 21 अक्टूबर को लक्ष्मी गार्डन में शाम के समय 7 बजे होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जैसे भूमि जी ने बताया हुआ है, कि हमें वृद्धाश्रम अनाथालय खोलना है। ये प्लेटफॉर्म है इसकी लॉन्चिंग का, और मूल रूप से जो गुजराती डांडिया हमें कराना है, जो झुग्गी झोंपड़ी में जो प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, इस मंच के माध्यम से हमें उन प्रतिभा को लोगों के सामने लेके आना, उन्हें जागृत करना है। चूँकि डांडिया कार्यक्रम हमने इसलिए रखा हुआ है कि हमें यूथ को इनमें सबके जागृत करना है, यूथ के मन में भावना है कि हम कुछ कर सकते हैं, अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम इनके लिए भी कुछ करना है। जैसे जैसे नवरात्रि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कल्चरल डांडिया नाइट्स की तैयारियां जोरों पर है। संघर्ष महिला संगठन के तत्वाधन एवं संगठन की अध्यक्ष सपना संदीप सारावगी के सानिध्य में 18 अक्टूबर 2023 को ओरछा पैलेस में आयोजित हो रहे कल्चरल डांडिया नाइट्स को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है, तो वही कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियाँ जोरों पर है। प्रतिदिन डांडिया क्लासेज में कोरियोग्राफर द्वारा महिलाओं को डांडिया के धुन पर एक से बढ़कर एक बारीकियों से डांडिया के गुण सिखाए जाते हैं। हरदोई के एक मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर हथियार के बल पर मायके से उठा ले जाने और अपने घर में रहकर 4 महीने तक दुष्कर्म करने और उसके बाद पति से तलाक दिलाकर निकाह करने की बात ठुकराने का आरोप लगाकर SSP को शिकायत पत्र दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में संबंधित पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना मल्लावा में काजी टोला का यह मामला है, जहां पर एक महिला ने एलिगेशन लगाया है दूसरे पक्ष के एक फैजल है उन्हीं के ऊपर कि उसके द्वारा जबरिया बुरा काम किया गया है। उपरोक्त मामले में थाना किया गया है, इसमें जांच करके विधिक कार्रवाई तत्काल करें। जी, हम मल्लावा कस्बा से आए हैं, काजी टोला में हमारी शादी हुई थी सरताज के साथ,
उसके बाद हम 8 दिन वहाँ रुके, फिर अपने मायके आए। मायके से राजा हमको भगा के ले गया, कहा चलो हम तुमको रखेंगे, निकाह करेंगे तुम्हारे साथ। 4 महीने रखा, उसके बाद मारा पीटा। फिर उनके बाप ने कहा कि वहाँ से तलाक करा लो, हम अपने लड़के के साथ निकाह कर लेंगे। ना ही और मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। महाराजगंज स्थित नौतनवा थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर नौतनवा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने सोनानी कोतवाली क्षेत्र स्थित 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ मंदिर में उठाकर ले जाकर अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। बच्ची द्वारा शोरगुल मचाने के दौरान मंदिर के पुजारी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मंदिर समिति के द्वारा दिए गए तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जनपद महाराजगंज अंतर्गत थाना नौतनवा में पुलिस के पास कल शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 वर्षीय बच्ची द्वारा, ऐसा बताया गया है कि किसी युवक द्वारा उसे गलत मंशा से निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल बच्ची का मेडिकल कराते हुए इस पूरे मामले में धारा 354 और पॉक्सो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। CCTV फुटेज के आधार पर सचिन मधेशिया की गिरफ्तारी करते हुए तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।